तो आज की हमारी इस वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में हम बात करने जा रहे हैं सीड फॉर्म की, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास एक फॉर्म, एक सीट है, दो सीट है। पहला है हमारे पास फॉर्म और दूसरा है हमारे पास डेटा। अब इस डेटा में देखिए क्या है, डेटा में हमें एक ऑटोमेटिकली आईडी को जनरेट करना है, फिर हमें डेट देना है, फिर हमें टाइम देना है, राइट। उसके बाद नेम, की एंड अमाउंट, ये एंट्री करनी है। बट फॉर्म जो है हमारा, उसमें यहां पे डाला हुआ है सिर्फ नेम और ये डला हुआ है इस कॉलम में, और हम एक बटन भी बनाए हुए हैं, उस बटन बनाएंगे आगे। उस बटन पे क्लिक करते ही डेटा उठ के यहाँ एक के नीचे आ जाए। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं, फिर हम आगे इस चीजों पे बात करेंगे। तो हम व्यू करते हैं मॉड्यूल्स, यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट डेटा सेम, बाकी ओपन क्लोज। मैं यहां पे देता हूं रेंज नहीं, उससे सबसे पहले तो मुझे आईडी को जनरेट करना होगा ना, डेटा में आईडी जनरेट करना होगा। तो मैं यहां पे आईडी इक्वल टू एक आईडी नाम का वेरिएबल ले लिया और बोला रेंज, मुझे यहां पे देना होगा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स। हम यहाँ पे मैक्स, एक्सेल का मैक्स फॉर्मूला कवर कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन हमने इसलिए लिया क्योंकि मैक्स डायरेक्ट वीवीए को सपोर्ट नहीं करता, और यहाँ पे हम रेंज सिर्फ नहीं देंगे, हमें यहाँ पे सीट का नेम देना पड़ेगा कि सीट्स, और यहाँ सीट्स में हम देंगे यहाँ पे डेटा और फिर ठीक है। तो इसका आईडी जनरेट कर देगा, फिर रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आईडी प्लस 1, क्योंकि की रेंज हमने दे दिया, तो किस सीट का रेंज, इसके आगे हमें सीट्स का नेम देना होगा डेटा सीट्स। ठीक है अमित जी, आईडी आ गया। अब मैं आईडी वाले ही कॉलन में हम यहाँ पे देते हैं 0, यहाँ पे देते हैं comma 1 और हम बोलते हैं कि यहाँ पे डेट आना चाहिए। फिर वापस हम यहाँ पे देते हैं 0 और यहाँ पे देते हैं 2। अब टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन नाउ है जो कि डेट एंड टाइम दोनों देता है, लेकिन मुझे सिर्फ टाइम चाहिए। तो मैं यहाँ पे VVA का फॉर्मेट फॉर्मूला जो एक्सेल के टेक्स्ट फॉर्मूला की जैसा ही है यूज कर, उसमें देंगे HH/MM/SS। तो हम तीन सीट पे काम कर चुके हैं, अब चौथे में हम यहाँ पे देंगे रेंज डॉट वैल्यू, उसके बाद यहां पे 0 होगा, यहां पे 3 होगा और यहां पे 0 होगा और यहां पे 4 होगा, और यहां पे हम देते हैं V4
और यहाँ पे हम देते हैं 5 और यहाँ देते हैं हम B2, B4, B6 आ गया। एक एंट्री हम करके देखते हैं, पूजा दिल्ली और एंट्री करेंगे कैसे, तो हम यहीं पे इंसर्ट बटन्स लेते हैं, ड्रैग करते हैं और यहां से हम इस माइक्रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। बटन्स लिखा हुआ है, इसको हम दे देते हैं सेंड पे, क्लिक करता हूं। आप देखेंगे कि यहां पे डेटा ऐड हो गया, सीरियल नंबर आ गया, डेट टाइम आ गया, नेम और सिटी वगैरह आ गया। अब इसको क्लीन करना है तो रेंज B2, B4, B6 तो जैसे ही मान लीजिए हम दूसरी एंट्री करेंगे, क्लियर हो गया और यहां देखिए ऑटोमेटिक नंबर 2 जनरेट हो गया। समझ आया सर आपको? यहाँ पे सीट है ना, इसके जगह पे आप C2 दे दीजिए। अगर सीट नेम डेटा का जगह कुछ भी होता है तो कोई बात, पर डिलीट हो गया, नया सीट ऐड हुआ, अब फिर नेम चेंज हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अब बात हुई कि ये तो सेम फाइल में था, अगर मैं इस सीट को मूव कर देता एक फाइल में और उस फाइल को मैं सेव कर देता हूं, यहां डेस्कटॉप में एफ ड्राइव में ठीक है, एफ ड्राइव में नाम दे देता हूं इसका डब्ल्यू डेटा और एक्सटेंशन .exe कर देता हूं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो डेटा है इसमें ऐड हो, समझे? तो हम इस दो मैक्रो बना देता हूं सेम डेटा फाइल के नाम से। अब इसमें कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आपको वर्कबुक ओपन करना पड़ेगा, workbooks.open कहां से? तो एफ ड्राइव से। क्या नाम होना चाहिए डेटा फाइल का? तो फाइल का नाम है हमारा डब्ल्यू डेटा है ना, .xlsx। ठीक है, तो फाइल ओपन हो जाएगा तो मेरा ये फाइल, इस फाइल को भी सेव करना पड़ेगा, तो इस फाइल को भी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म के नाम से सेव कर लेता हूं। ठीक है, तो ओपन हो गया। अब यहां पे एप्लीकेशन बन रही, यहां पे मैच सीट्स आया। अब सीट के जगह पे हमें इसका वर्कबुक नेम देना विद एक्सटेंशन। अब यहां पे बात हो गई दो फाइलों की, इसलिए कहीं भी हम करेंगे तो हम फाइल को लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा यहां पे वर्क बुक्स और यहां पे हम देंगे डब्ल्यू डेटा .xlsx। और जहां जहां हमने डॉट में क्या बोले,
हाँ कॉमा लग, यहाँ पे सेमी कोलन होना चाहिए ना, और सॉरी डॉट होना चाहिए। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ और जहां जहां हमने यूज किया है वहां वहां इसको यूज लेता हूँ। यहाँ पे आईडी ठीक है, अब यहाँ रेंज लिया तो मुझे यहाँ भी देना होगा वर्क बुक्स, और वर्क बुक्स में कौन सा, तो फॉर्म डॉट एक्सएलएस एम डॉट शीट्स, और शीट्स में क्या देना है, ठीक है सर। और यहां भी और उसके बाद हम यहां पे बोलेंगे वर बुक्स, इसमें हो जाएगा डब्लू डेटा डॉट एक्सएलएस एक्सएलएस एक्स डॉट सेव, या फिर मैं डायरेक्ट क्लोज सेव करते हुए क्लोज कर देता हूं। क्लोज ठीक है, मतलब सेव करेंगे, जैसे हम कोई फाइल बिना सेव किए क्लोज करते हैं, पूछता है डू वांट टू सेव चेंज। अब मैं एक और मैक्रो, एक और बटन बनाता हूं, यहाँ पे देता हूँ होम सिटी में दिल्ली और अमाउंट पे 1000 डेटा हैव सेव। अब चलिए एक बार देख लेता हूँ फाइल कि क्या डब्ल्यू डेटा में 1000 वाली रिकॉर्ड सेव हुई है या नहीं, पता चला और सेव हो गया। तो कुछ सेकेंड्स के लिए फाइल को खोला, डेटा अपडेट किया और फाइल को क्लोज कर दिया। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, हम इसमें हमने सीट्स और रेंज पे चल रहे थे, हमने इसमें पूरा कंप्लीट पाथ दिया, लेकिन हमने फाइल को ओपन करवाई है, और फाइल ओपन नहीं करवाऊंगा तो इन सारे फंक्शंस वगैरह वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गया सर। हाँ जी, अरे कोड में आपको मेल कर देता हूँ, कीजिए और एक अच्छा सा फॉर्म बना के दीजिए सर। आगे हम पढ़ेंगे, ओके, और मिलते हैं कल। ओके हाँ, थैंक यू।